आज हम आपको लेकर आए हैं बीके वेलफेयर फाउंडेशन एनजीओ के यहाँ, जो ये एनजीओ विकलांग व दिव्यांग बच्चों को ट्रेनिंग देकर नौकरी दिलाती है और उनकी तरह तरह से सहायता करती रहती है। आज यहाँ ये उन बच्चों को जो ट्रेनिंग लेकर आए हैं या जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं इनके यहाँ आए हैं, अपनी अपनी बात बताएंगे और कुछ बच्चों को सर्टिफिकेट व मेडल दिए जाएंगे और गरीब लोगों को यहाँ बुलाया है, राशन की किट देंगे। ये वेलफेयर के फाउंडर जनाब मोहम्मद बीके वेलफेयर फाउंडेशन एनजीओ के संस्थापक मोहम्मद आबिद मलिक जी उन लोगों से मिलवाएंगे जो उनके यहाँ से ट्रेनिंग लेकर जगह जगह नौकरी कर रहे हैं। वो बच्चे जो बेहद गरीब थे, आज वो अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं। आइए मिलते हैं कुछ ऐसे बच्चों से जो अपनी आप बीती बताते बताते स्टेज पर रो पड़े और अपनी गाथा सुनाने लगे। आइए मिलते हैं उन बच्चों से जो बच्चे इस एनजीओ से फ़ायदा उठा रहे हैं। हम लोग रिटेल सेक्टर में काम करते हैं, जहां आप लोग जानते हैं कि हम लोग रिटेल में ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। और इस सेक्टर को हम बोलते हैं इंक्लूसिव बनाना है। इंक्लूसिव बनाना मतलब अगर मॉल्स में देखते हैं तो सब अमीर लोग ही रहते हैं, ठीक है। अगर वहां पे काम करने वाले भी बहुत ग्रेजुएट होते हैं, बहुत इंग्लिश में बात करते हैं। हमें इस सेक्टर को हमारे जैसे लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए भी एक्सेसिबल बनाना। आपको बिलिंग फॉर कितनी सैलरी होगी इसकी, कोई बताएगा सडनली? जैसे हमारी पेरेंट्स हमारे आए हुए हैं, थोड़ा सा बताएंगे कितनी सैलरी हो सकती है इसकी। स्टार्ट पहली जॉब है इसकी, समझ रहे? एक आंखों में जो चमक होती है बच्चे की, मेरी पहली जॉब जो मेरे को पहले कभी कुछ नहीं आता था, बीके वेलफेयर फाउंडेशन और ट्रेन कमला मेसिन प्रोग्राम ने उसको सपोर्ट किया, आज इंडिपेंडेंट बनाया और उसकी आंखों में चमक है। तो कोई पेरेंट्स बता पाएगा इसकी सैलरी कितनी होगी? 12,000? 14,000, ठीक है, वेरी गुड। और बताइए, 17, वेरी गुड। और 21, राइट, एग्जैक्टली 20। मेरा सैलरी भी इतना ही था, 5,500 मेरा भी था, लेकिन मैम तो पहले से तो 4,000 होना चाहिए। सो 21,000 इज नॉट अ इजी थिंग। 17-18,000 रुपए इन हैंड पीएफ ईएसआई कटने के बाद पहली जॉब, तो इट्स अ गुड। तो एक अच्छा, एक बच्चा आपके बीच का बच्चा जो एक अच्छे मुकाम पर पहुंच चुका है और आज वो ये कह रहा है कि मैं अपने फैमिली को और आज इंडिपेंडेंट बन चुका हूं, तो हमें अच्छे से तो शाबाशी भी देनी और क्लैपिंग के साथ। आज क्लासेस के लिए इनको मॉर्निंग में 9 o'clock आना था एंड ही वाज़ अ फर्स्ट कैंडिडेट टू एंटर इन द एनजीओ।
NGO. He is very concerned and he never misses the class. Even if he is having a doubt in any of the topic, किसी भी topic में इनको doubt होता है, इनको आंसर का इतना ज़्यादा है कि इतना मेहनत करते हैं. So I just want to appreciate him. Even I want to make a big applause for him. हेलो गुड मॉर्निंग. मेरा नाम सुबह में इधर फेस करके बोलो, हमें भी सुनना है. मेरा नाम सुबह में, मैं 21 इयर्स का हूँ. मैंने अपनी पढ़ाई गवर्नमेंट सर सेकेंड स्कूल से की थी. पहले मैं 12 करने के बाद कुछ नहीं करता था, तो एक बच्चा जो होता है ना, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए कितना जुझारू, समझ रहे हैं? और ये हमारी इस पंप प्रोग्राम का एक ऐसा चंचल बच्चा है जो सबसे पहले आना, इसने हमारे जब प्रोग्राम में हमारे ज्वाइन किया था ना, इसने बोला एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके लिए मेरे लिए प्रोग्राम है, मेरे लिए काम किया जा रहा है, मेरा सेंटर है. और इस बच्चे ने अपने लिए पूरा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है सर, टाइमली आता है, पूरी क्लास करता है, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करता है. और अभी देखना कितना अच्छा बोल के दिखाएगा. आना शुभम, वेरी गुड. वेयर करने के बाद भी मेरे को मैम का फोन आया बीके फाउंडेशन से, प्लीज में मैंने आके पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा. इसके बाद मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने लिए कुछ कर सकता हूँ आगे जाके. आबिद भाई जैसे लोग बहुत कम हैं इस धरती के ऊपर, जबकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे लोगों की. और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इनके जैसे लोग मेरे क्षेत्र में रहते हैं, मेरे वोटर हैं, मेरे सपोर्टर हैं और समाज के इतने बड़े सेवक हैं कि अगर बच्चों की नौकरी लगवाने की बात है तो उसमें पीछे नहीं रहते. राशन की किट बांटने की बात है ऐसी जरूरत के वक्त पे, जहाँ कोरोना काल जैसे समय में, तो उसमें पीछे नहीं रहते. केवल बच्चों को पढ़ाने की बात है, ट्रेनिंग देने की बात है, उसमें पीछे नहीं रहते. तो जब ऐसे आबिद भाई जैसे लोग तन मन धन से समर्पित हैं और इनके साथ ऐसी फाउंडेशंस भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए 24 घंटे मैं तन मन धन से समर्पित हूँ और हमेशा रहूँगी. क्योंकि जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों के हमेशा साथ हूँ.